अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट ट्रेंडिंग नेक की ट्यूटोरियल, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ मोतियाँ और कुछ कट दाने हैं और एक निडल है। यहाँ पर हम अपने नेक पे 1-1 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के साथ हम इन लाइनों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। देन अब हम इसके अंदर वर्क करेंगे। हाफ इंच को हमने छोड़ देना है। हाफ इंच के बाद से हमने वर्क स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैंने नीडल को नीचे वाली साइड से ऊपर की तरफ लिया है और एक कटदाने को लेकर इसमें इस तरह से इन कर दिया है। फिर से फ्रेंड्स, मैंने एक और कटदाना लिया है और इसे इस तरह से इसमें इन कर लिया है, आप देख सकते हो। देन फिर मैंने नीचे से ऊपर साइड पे नीडल को निकाला है और एक मोती लेकर इसमें इस तरह से इसे भी इन कर लिया है। सेम इसी पैटर्न के साथ हमने कटदाने और मोती को इसमें इन करते रहना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल मिरह स्टिचिंग हब को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल मिरह स्टिचिंग हब को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके साथ मैं हैंडवर्क शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ट्रेंडी है। आप किसी भी प्लेन फैब्रिक को लेकर इसके नेक पे इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम अपनी सिलाई को पक्की कर लेंगे और सिलाई को पक्की करने के साथ साथ हम थ्रेड को कट कर इसमें एक नॉट लगा लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिलाई के ऊपर ग्लू स्टिक की हेल्प से ग्लू लगा लेनी है, इससे हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही हो तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल मिरह स्टिचिंग हब को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।